गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कक्षा 12 में ऑक्सीजन चल रहा है और ऑक्सीजन की केमिकल नेचर के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आज हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि ऑक्सीजन के तीन रूपों की पहचान अभी तक हुई है, जिसमें से पहला है ऑक्सीजन ए। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन ए जो है वो पहला है, और ऑक्सीजन ए की खोज कॉल और हैगन स्मिथ ने की थी 1931 में। मानव मूत्र से एक क्रिस्टलीय पदार्थ को इन्होंने अलग किया था और फिर उसे प्रांकुर चोल पर डाला तो पाया कि यह वक्रण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसे ऑक्सीजन ए नाम दिया गया, जिसका रासायनिक सूत्र जो है, जो अणु सूत्र जो है वो होता है C18H32O6। C18H32O6 ये इसका अणु सूत्र है, जबकि रासायनिक नाम जो है इसका वो होता है मोनोसाइक्लिक इसका जो रासायनिक नाम है वो है मोनोसाइक्लिक ट्राई हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है, क्लियर। इसके बाद ऑक्सीजन बी की जो खोज है वो की थी कॉल और इरेक्स लेबन एंड हैगन स्मिथ ने। इन्होंने 1934 में ऑक्सीजन का एक और स्वरूप खोजा, जिसका नाम है ऑक्सीजन बी। ठीक है, ऑक्सीजन बी जो है इसका रासायनिक सूत्र है। देखिए, इन्होंने जब ऑक्सीजन बी की खोज की थी तो मक्का के भ्रूण तेल से एक तरल पदार्थ, सक्रिय पदार्थ इन्होंने अलग किया था और इसे भी ऑक्सीजन नाम दिया गया, जिसका जो अणु सूत्र है वो होता है C10 और H34O4। ठीक है, ये इसका अणु सूत्र है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होगा, इसका रासायनिक नाम होगा मोनोसाइक्लिक हाइड्रोक्सी कीटो कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोसाइक्लिक हाइड्रोक्सी कीटो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम होगा। इसके साथ ही एक और ऑक्सीजन की खोज हुई थी, जिसका नाम है हेटेरो ऑक्सीजन। हेटेरो ऑक्सीजन जो है इसकी खोज उपरोक्त तीनों वैज्ञानिकों ने ही की थी। किन्होंने? इन तीनों वैज्ञानिकों ने ही की थी। ठीक है, इन्होंने मानव मूत्र से ही एक और पदार्थ अलग किया और उसे हेटेरो ऑक्सीजन नाम दिया। ठीक है, देखिए तीन रूप हमारे सामने हैं ऑक्सीजन के, लेकिन पादपों और कवकों में पाया जाने वाला प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है? हेटेरो ऑक्सीजन है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पादपों और उच्च पादपों या पादपों और कवकों में पाया जाने वाला हार्मोन या ऑक्सीजन कौन सा है? हेटेरो ऑक्सीजन है, जिसका अणु सूत्र होता है C10H9O2N। ये इसका रासायनिक सूत्र, सॉरी अणु सूत्र है, और इसका रासायनिक नाम क्या होगा? एंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसका जो रासायनिक नाम है वो है एंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, अब तीनों रूप आपके सामने हैं, ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन बी, ऑक्सीजन का तीसरा स्वरूप हेटेरो ऑक्सीजन। ठीक है, इनमें से, इन तीनों में से हेटेरो ऑक्सीजन उच्च पादपों और कवकों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तीनों की खोज का श्रेय कॉल और हैगन स्मिथ को ही जाता है, इन्होंने इन तीनों की खोज की थी। ऑक्सीजन बी की खोज में इरेक्स लेबन का भी योगदान था। अब प्राकृतिक ऑक्सीजन शीर्ष विभ्योतक में बनते हैं, ये आपको याद रखना है। तो प्राकृतिक ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? हेटेरो ऑक्सीजन है। ठीक है, हेटेरो ऑक्सीजन जो है वो क्या है? हेटेरो ऑक्सीजन ये क्या है? एक प्राकृतिक
ऑक्सीन है, ठीक है। ये बनता कहाँ है? यह है शीर्ष विभिज्योतक, जो विभिज्योत की कोशिकाएं विभाजन करने वाली होती हैं, शीर्ष विभिज्योतक में बनता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, बनता कहाँ है? शीर्ष विभिज्योतक बनता है और इसके संश्लेषण के लिए एक एमिनो एसिड की जरूरत होती है। तो इसके संश्लेषण के लिए एक एमिनो एसिड जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन, इसका नाम क्या है? ट्रिप्टोफैन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कोशिकाओं के लिए ट्रिप्टोफैन की आवश्यकता होती है और इसके निर्माण के लिए और किसकी आवश्यकता होती है? जेडन की आवश्यकता होती है, जिंक की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्लियर। पहली बात, अब देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? हेटेरो ऑक्सीजन है और यह शीर्ष विभिज्योतक में बनता है। इसके संश्लेषण के लिए ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है और इसके निर्माण के लिए जेडन भी जरूरी होती है और यह उच्च पादपों और कवकों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसको क्या नाम देते हैं हम? IAA यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है। इसका सूत्र मैं आपको बता चुका हूँ, अणु सूत्र क्या है इसका? इसका अणु सूत्र होता है C10H9O2N, ठीक है, ये इसका अणु सूत्र है, क्लियर। अब इसको अगर हम बना के देखना चाहें तो किस तरह का बनेगा ये? इसकी संरचना जो है, रासायनिक संरचना, वो इस तरह की होती है। इसकी रासायनिक संरचना दोबारा से बनाएंगे, ये इसकी रासायनिक संरचना है, ठीक है, ये आपको याद करनी है रासायनिक संरचना। अब देखिए इसके अलावा भी उच्च पादपों में कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये तो है हेटेरो ऑक्सीजन, इसके अलावा भी उच्च पादपों में कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो, बस आपको वर्बली याद रखना है कौन कौन से हैं ऐसे पदार्थ। तो मैं आपको दो बता देता हूँ, एक तो है इंडोल 3 एसीटेल्डिहाइड, एक तो ये है इंडोल 3 एसीटेल्डिहाइड, यह भी कहाँ पाया जाता है? उच्च पादपों में पाया जाता है। और एक पाया जाता है इंडोल 3 एथेनॉल, ठीक है, ये भी पाया जाता है। तो हेटेरो ऑक्सीजन तो होता ही है, इसके साथ साथ ये भी होते हैं। ऑक्सीजन ए और बी की उपस्थिति जो है वो बाद के प्रयोगों में स्थापित नहीं की जा सकी है, अतः प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हार्मोन कौन सा है? हेटेरो ऑक्सीजन है। आगे चलते हैं, कुछ संश्लिष्ट ऑक्सीजन के बारे में जान लेते हैं। सिंथेटिक ऑक्सीजन, ठीक है, प्राकृतिक ऑक्सीजन हमने देख लिए, अब है सिंथेटिक ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन, ठीक है, ये कौन से हैं? देखिए कुछ संश्लिष्ट रासायनिक यौगिक होते हैं जो कि लैब में तैयार होते हैं, वो भी ऑक्सीजन के समान कार्य करते हैं और इसमें बहुत सारे एग्जांपल के तौर पर हम याद रख सकते हैं इनकी फुल फॉर्म। जैसे एक तो ये है नेफ्थेलीन एसिटिक एसिड, एक तो ये है नेफ्थेलीन एसिटिक एसिड। दूसरा आता है ये अल्फा है, ठीक है, इसी का एक और है उसको भी हम NAA कहते हैं, ये बीटा नेफ्थेलीन एसिटिक एसिड है, ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों हैं। इसी तरह IBA ये भी है, इसको हम कहते हैं इंडोल 3
ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड ये तीसरा है। चौथा आता है 2,4-D, 2,4-D का प्रयोग भी किया जाता है। ये इसका है 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, ये इसका जो नाम है रासायनिक नाम ये है। इसी तरह से अगला जो आता है इसमें नेक्स्ट जो है वो है 2,4,5-T, इसको हम कहते हैं 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid, 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid, ये इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास, चार हो गए। ये इनमें से देखिए ये चारों ही लगातार आप अगली क्लासों में भी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आता है IPA, इसको कहते हैं इंडोल 3-propionic acid, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, इंडोल 3-propionic acid, ये भी संश्लिष्ट ऑक्सीन है। इसी तरह से अगला है PAA, ये है फेनिल एसिटिक एसिड, ये अगला है, ठीक है। तो आपने देखा ये सिंथेटिक ऑक्सीन के सब क्या हैं, उदाहरण हैं। अब एक एक करके इनकी संरचना हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहला देखिए नाम आपको याद रखना है NAA, IAA क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये बीटा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, IBA इंडोल 3-butyric acid, 2,4-D 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2,4,5-T 2,4,5-trichloroacetic acid, IPA इंडोल 3-propionic acid और PAA होता है फेनिल एसिटिक एसिड, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ एक दो की हम संरचना देख लेते हैं कैसी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे IBA, CH2, COOH, ठीक है, ये तो होता है IBA, क्या है ये IBA, यानी इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। दूसरा जो है वो 2,4-D है, तो उसमें क्या आ गया, डाइक्लोरो आ गया, ठीक है। तो डाइक्लोरो कैसे होगा देखते हैं, एक तो क्लोरीन ये आ गई, ठीक है, और दूसरी क्लोरीन इधर आ जाती है ये वाली, ठीक है, और ये है 2,4-D, इसका नाम है 2,4-D। अब 2,4,5-T ये कैसी होगी, 2,4,5-T भी इसी तरह की होगी, बस इसमें क्लोरीन जो है वो एक और ऐड हो जाती है, तो ये हो जाती है CH2COOH, एक तो क्लोरीन यहाँ आ गई, दूसरी यहाँ आ गई और तीसरी यहाँ है, ठीक है, इस तरह से ये हो गई 2,4,5-T, 2,4,5-T, ये इसकी संरचना हो गई। इसके बाद जो है PAA कैसा होता है, PAA ऐसा होता है, देख लीजिए कैसा होता है, इस तरह से इसकी संरचना है, ठीक है, ये हो गया CH2COOH, ये हो गया PAA, यानी PAA का क्या मतलब हो गया, फेनिल एसिटिक एसिड, ठीक है। इस तरह से हमने देखा है कुछ संरचना, और अब NAA की संरचना देख लेते हैं कैसी होती है। NAA यहाँ बना देता हूँ, उधर दिखाई नहीं देगा,
ये हो गई एन ए ए की। यानी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये है संश्लिष्ट ऑक्सिन। अब देखिए कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य इसके अंदर याद रखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सिन की रासायनिक संरचना आप अपनी किताब से भी अच्छी तरह से देख लेना, वहाँ पर आपको दी हुई है, ठीक है, अच्छी तरह से किताब से ही पढ़ी जाएगी। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। सबसे पहली बात ये कि पादप के सभी भागों में ऑक्सिन की कुछ मात्रा या कुछ ना कुछ मात्रा उपलब्ध होती है या उपस्थित होती है, परंतु वृद्धि और परिवर्तनशील उत्तकों में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे विभिजोतक है तो वहाँ इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, वैसे पादप के सभी भागों में कुछ ना कुछ मात्रा ऑक्सिन की पाई जाती है। ऑक्सिन शीर्ष से यानी ऊपर की ओर बनते हैं और नीचे की तरफ यानी आधार की ओर गमन करते हैं, अर्थात इनका गमन कैसा होता है, इस प्रकार के गमन को या इस प्रकार की गति को हम कहते हैं ध्रुवीय अभिगमन। इसको हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय अभिगमन कहेंगे। ध्रुवीय अभिगमन इसी तरह का होता है। और इनका जो स्थानांतरण है यानी स्थानांतरण, देखिए जो स्टेम है या प्रो है, प्रो तंत्र, इनमें ऊपर से नीचे की ओर इनका परिवहन होता है। इस प्रकार के परिवहन को ध्रुवीय परिवहन कहते हैं। इस प्रकार के परिवहन को हम क्या कहते हैं, तलाभिसारी अभिगमन कहते हैं, ठीक है। जबकि रूट में कैसा होता है, अग्राभिसारी होता है, ऊपर की ओर होता है, ठीक है, रूट में ऊपर की ओर जबकि स्टेम में नीचे की ओर होता है, क्लियर। और इनका स्थानांतरण विसरण क्रिया द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। यानी ऑक्सिन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाएगा तो कौन सी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन से जाएगा, ये जाता है विसरण प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब गोल्ड स्मिथ 1977, ये एक वैज्ञानिक है, गोल्ड स्मिथ 1977, इस वैज्ञानिक ने क्या बताया था, इसने ये कहा, इसने एक रसायन परासरणी परिकल्पना दी थी और उसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इंडोल एसिटिक एसिड के अभिगमन के लिए कोशिकाएं जो है उपापचयी ऊर्जा अर्थात एटीपी का उपयोग करती है, यानी कि इसके अभिगमन के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, क्लियर। आगे हम जानेंगे ऑक्सिन के कार्य की प्रभाव कैसे हैं, ऑक्सिन के कार्यकीय प्रभाव इनके बारे में जानेंगे। और सबसे पहले हम जानने वाले हैं शीर्ष प्रभाविता को हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है कि देखिए, जब शीर्षस्थ कलिकाएं, हम सब जानते हैं शीर्षस्थ कलिकाएं भी होती हैं, पार्श्व कलिकाएं भी होती हैं, कक्षस्थ कलिकाएं भी होती हैं, तो शीर्षस्थ कलिका पार्श्व या कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करती हैं। इसमें क्या होता है कि जो शीर्ष पर कलिका मौजूद हैं यानी शीर्षस्थ कलिका पार्श्व व कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करती है, ठीक है। शीर्षस्थ और पार्श्व, जो शीर्षस्थ कलिकाएं जो है वो पार्श्व व कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करती है। क्यों करती है, क्योंकि क्या होता है कि जो शीर्षस्थ या अग्रस्थ कलिका है अगर उसकी उपस्थिति होती है तो फिर पार्श्व या कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। और इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है शीर्षस्थ कलिका द्वारा ऑक्सिन का निर्माण, क्लियर। ऑक्सिन का निर्माण शीर्षस्थ कलिका द्वारा होगा और इसकी वजह से पार्श्व और कक्षस्थ कलिकाओं का जो उनकी वृद्धि है उनकी वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब शीर्ष कलिका में जब ऑक्सिन बनता है तो वो नीचे की ओर प्रवाहित होगा,
जब वो नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो पार्श्व और कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि को कम कर देता है। ठीक है, अब अगर शीर्षस्थ कलिका को हटा दिया जाए, जैसे मान लो ये एक एक कलिका ये है और एक कलिका ये है, ठीक है। अब ये है शीर्षस्थ कलिका, ये है लेटरल, या इसको हम कक्षस्थ भी कह सकते हैं, एक्जिलरी। यहाँ से जब ऑक्सीजन बनेगा तो वो नीचे की ओर प्रवाहित होगा, नीचे की ओर प्रवाहन जब इसका होगा तो फिर क्या करेगा, ये इन जो कलिकाएं हैं इनकी कलिकाओं को प्रभावित करता है। इसको अगर यहाँ से हटा दिया जाए, ऊपर वाली शीर्षस्थ कलिका को हटा दिया जाए, तो पार्श्व कलिकाएं फिर से वृद्धि करने लगती है, जिससे पादप कैसा हो जाता है, झाड़ी नुमा हो जाता है। क्योंकि शीर्षस्थ कलिका तो हमने हटाई दी, अब पार्श्व और कक्षस्थ कलिकाएं जो आसपास हैं उनकी उपस्थिति होगी तो वो क्या करेगी, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगी, और जब उनमें ग्रोथ होगी तो पादप कैसा हो जाएगा, झाड़ी नुमा हो जाएगा, क्योंकि लंबाई तो बढ़ेगी नहीं। तो ऐसा कहाँ किया जाता है, ऐसा किया जाता है मेहंदी और चने के पौधों में, उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मेहंदी में आपने देखा होगा पादप जो है, मेहंदी क्या है, मेहंदी को ऑर्नामेंटल प्लांट भी माना जा सकता है, होता ही है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, यानी कि सजावटी पौधा है, और इस सजावटी पौधे को फिर इस तरह से उनकी शीर्षस्थ कलिकाओं को काट करके झाड़ी नुमा आकार दिया जाता है, जिससे कि वो देखने में रमणीय होते हैं। ठीक है, तो शीर्षस्थ कलिका जो है वो पार्श्व और कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि को ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से प्रभावित अर्थात कम करती हैं। अगर शीर्षस्थ कलिका को हटा दिया जाए तो पार्श्व और कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि सुचारू रूप से चलती रहती है। ठीक है, दूसरा आता है इसमें सेल एलोंगेशन। दूसरा जो कार्य की प्रभाव है वो है कोशिका दीर्घीकरण। अब देखिए ये क्या है, कोशिका दीर्घीकरण का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है, यही होता है कोशिकाओं का दीर्घीकरण करना। कोशिकाओं का दीर्घीकरण कब होता है, हम सब जानते हैं कि शीर्ष भाग में शीर्ष विभाजोतक कोशिका जो है वो लगातार विभाजन करती हुई नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, और इन नई बनी हुई कोशिकाओं के दीर्घीकरण में ऑक्सीजन की भूमिका मुख्य होती है। यानी कि शीर्ष विभाजोतक द्वारा बनाई गई नई कोशिकाओं के दीर्घीकरण में ऑक्सीजन मुख्य भूमिका निभाता है, अर्थात ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है, कोशिकाओं का दीर्घीकरण करना है। अब देखिए परों में ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता, क्योंकि शीर्ष भाग में ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता है, तो शीर्ष भाग में जब ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता होगी तो वो क्या करती है कि वहाँ पर शीर्ष दीर्घीकरण को प्रेरित करती है। प्रो शीर्ष में ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता शीर्ष दीर्घीकरण को प्रेरित करती है, और इसलिए प्रो शीर्ष कैसा होता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, जबकि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती क्योंकि ऊपर की ओर बढ़ेगा, और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। ठीक है, आगे आता है तीसरा, जड़ों का प्रारंभ, यानी जड़ निर्माण को प्रेरित करता है ऑक्सीजन, या हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जड़ों के निकलने को प्रेरित करता है। जैसे कुछ पौधे हैं, जैसे रोजा इंडिका है, रोजा इंडिका होता है गुलाब, इसी तरह से सिट्रस है जिसमें नींबू और संतरा आते हैं, और बोगनविलिया जो कि हमारे घरों के आसपास या घर में भी हम दरवाजे पे उनको लगाते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, उनमें गुलाबी सफ़ेद और येलो कलर के पुष्प आते हैं, तो कठलता है एक तरह की बोगनविलिया। तो ये ऐसे पादप हैं जिनके अंदर उनके तने या उनमें क्या है, तना या कलम लगाकर नया पौधा तैयार किया जाता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि गुलाब जो है उसकी हमने कलम कहीं पर लगा दी है तो वो लग जाती है, वो इसी वजह से लग जाती है क्योंकि जो ऊपर की ओर जो उसका शीर्ष भाग है, उस शीर्ष भाग में ऑक्सीजन सक्रिय होता है, जो कि वहाँ नई बनी कोशिकाओं के दीर्घीकरण को प्रेरित करता है, और इसीलिए
जो है गुलाब है, बोगनविलिया है, नींबू, संतरा, इनके पौधे तैयार किए जाते हैं। अब देखिए, कलम के निचले सिरे को ऑक्सीजन के घोल में डुबाकर, कलम के निचले सिरे को अगर ऑक्सीजन के घोल में डुबा दिया जाए और फिर लगाया जाए तो कटे भाग पर सीधी जड़ें निकल आती हैं, ठीक है, यानी जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। और इस कार्य के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड का, इंडोल ब्यूटारिक एसिड का, IBA का इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने अभी तक तीन इसके कार्य की प्रभाव देखे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया शीर्ष प्रभाविता के बारे में, जो अग्रस्त कलिका है वो अगर उपस्थित होती है प्रो सीड्स पर तो वो पार्श्व और कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि को कम करती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो कि नीचे की ओर प्रवाहित होकर पार्श्व और कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करता है, ठीक है। और इसलिए क्या होता है, इसलिए इस प्रकार की जो कंडीशन आती है उसकी वजह से पौधा झाड़ी नुमा हो जाता है। अगर मान लो शीर्ष भाग को हटा दिया जाए, शीर्ष कलिका को अलग कर दिया जाए, तो फिर पार्श्व और कक्षस्थ कलिकाओं में सुचारू रूप से वृद्धि होती है। और ऐसा जानबूझकर करवाया भी जाता है, जैसे मेहंदी और चने जैसे कुछ पादपों में इस प्रकार से शीर्षस्थ कलिका को हटाकर पार्श्व और कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि को प्रेरित किया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है सेल एलोंगेशन, जिसमें कोशिकाओं का दीर्घीकरण होता है, कोशिकाएं अपने आकार में बढ़ती है, अपने जीवद्रव्य को सघन करती हैं। इस तरह का जो प्रोसेस है वो भी ऑक्सीजन की सक्रियता की वजह से ही होता है। वास्तव में ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है, कोशिकाओं का दीर्घीकरण करना ही होता है। तीसरा जो है वो है जड़ों का प्रारंभन, कोशिका जो जड़ें हैं उनमें जड़ों के निकलने में भी ऑक्सीजन मुख्य भूमिका निभा सकता है। जैसे रोजा इंडिका जैसे पादपों में उनकी कलम काटकर दूसरी जगह पर लगाई जाती है और उससे पहले उसे ऑक्सीजन के घोल में डुबाया जाता है, फिर उसे वहां पर लगाया जाता है, जिससे निचले सिरे पर जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से जड़ों के निकलने को भी ऑक्सीजन प्रेरित करता है, ठीक है। तो हमने आज जो है वो तीन इसके कार्य की प्रभाव देखे हैं, अभी बहुत सारे हैं और बाकी के सारे हम कल कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम जिब्रेलिन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।